चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारी मम्मी अपने बच्चों को डराती रहती है या घर के कोई भी सदस्य होते हैं तो बच्चों को डराते हैं। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि क्या डराना बिल्कुल सही है या फिर गलत। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो लाइक करें, नए दर्शक सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें। बेल आइकन होता है उसे जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारे वीडियो मिल सके। आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि जब छोटे बच्चे बहुत ज्यादा शरारती हो जाते हैं या फिर वो बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं, मस्ती करते रहते हैं, तो उनकी मम्मी या फिर घर के कोई भी इस तरह बोलते हैं, बाबा आ गया, शेर आ गया, बिल्ली आ गई या फिर भूत आ गया, इस तरह से बच्चों को डराते हैं। क्या ये बिल्कुल सही है? इस तरह से डराने से बच्चों के अंदर बचपन से ही एक डर अंदर स्थापित हो जाता है। जो मन के अंदर जब डर स्थापित हो जाता है तो बच्चे बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। यानी कि जब भी उसे कोई किसी तरह के बोलेगा और उससे पहले वो उस चीज को सोचने लगता है, उसका माइंड उसी तरह काम करने लगता है और वो डर जाता है, सहम जाता है। कभी कभी तो बच्चा अकेला भी इधर उधर या फिर अंधेरा होते ही भी डरने लगता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं, इस तरह से बच्चों को डराना बिल्कुल गलत है। बच्चों के अंदर जब डर स्थापित होता है तो बड़े होने के बाद भी वह डर कई बार रह जाता है और फिर उनमें आत्मविश्वास की कमी होने लगती है। वो किसी भी तरह की कोई भी बात होती है तो अंदर ही अंदर इस बात को छिपाते रहते हैं और सिर्फ डरते रहते हैं। अगर घर के अंदर जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो भी कई बार बच्चे बच्चे खेलते हुए भी इस तरह की मजाक करते हैं कि वो पकड़ लेगा या वो उधर कोई बाबा है या कोई भूत है या फिर वहाँ लाइट बंद कर देंगे, अंधेरा कर देंगे। तो ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह से होने से बच्चा एकदम से पूरी तरह से सहम जाएगा और उसे कुछ समझ नहीं आएगा और वो सिर्फ रोने लगेगा। और इस तरह की हरकत वो दिन में करता रहता है लेकिन कई बार जब वो रात को सोता है तो भी उसे वो वही बात याद आती है, वो सोते हुए भी उठ करके एकदम से रोने लगता है। तो ये उसके अंदर मन के अंदर जब डर होता है तभी वो इस तरह से करता है। सपने में भी उसको वही चीज दिखाई देती है, जो बातें दिन में होती है बच्चे वही चीज रात को भी सोचते हैं और फिर कई बार रात को बच्चा रोना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए पेरेंट्स, अगर आप भी अगर अपने बच्चों को इस तरह की बातें कह के डराते हैं या घर के कोई भी बड़े इस चीज को कह के डराते हैं तो इस तरह बिल्कुल मत करिए, क्योंकि डराना बिल्कुल सही नहीं होता। कई बच्चे तो कॉटन जैसी चीज से भी डरते हैं कि अगर कॉटन है तो वो ऐसी व्हाइट कलर की रहेगी तो उससे बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि ये कीड़ा है। तो इस तरह से आप बच्चों को डर को भगाने का काम करिए जबकि उसे डराना नहीं है। एक बार अगर बच्चा डर जाता है तो फिर वो कभी अकेला रहना भी पसंद नहीं करता, यानी उसे यही लगता रहता है कि वो अकेला रहेगा तो इस तरह की कोई भी घटना उसके साथ हो सकती है। तो इसीलिए बच्चों को आपको बड़ा होने के बाद कई टाइम अकेला भी छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए आप बच्चों को डराए नहीं उसे इस तरह से, और उन्हें डर को भगाने की कोशिश करिए, आप उन्हें डराने की कोशिश। कई लोग होते हैं, कई मम्मी होती है कि कहीं अंधेरा है, कोई स्टोर रूम है या कोई सी ऐसी जगह है तो बच्चों को मारती है और फिर बोलती है कि मैं तुझे उस रूम में बंद कर दूंगी, उस रूम में बाबा है। मैंने बहुत सारे घरों में इस चीज को देखा है। ये करना बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप मम्मी है और इस तरह की चीजें करती है अपने बच्चे के साथ तो आज से ही करना बंद कर दीजिए। और अगर पापा लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं तो घर पे जाके अपनी मम्मी और अपने बच्चों, अपनी पत्नियों को जरूर इसलिए बताएं कि ये बिल्कुल सही नहीं होता। बच्चों को डर लगाना हमारा काम नहीं है बल्कि डर को हमें भगाने का काम करना चाहिए। तो बच्चे कभी भी इस तरह से डरते हैं, रात को उठ करके चिल्लाते हैं, बहुत सारे बच्चे तो इतना जोर से रोते हैं कि लगता है कि क्या हो गया है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं दोगे, लेकिन जब बच्चे दिन में खेलते टाइम अगर आपने इस तरह डराया है तो बच्चा रात को जरूर रोएगा। तो इस तरह का प्रयत्न आप बिल्कुल ना करिए अपने बच्चों के। ऐसे बच्चों को ही अगर डरा देंगे तो बड़े होकर क्या करेंगे? इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि बच्चों को कभी भी डराना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। उन्हें कभी भी गिर भी जाए तो उन्हें इस तरह बोलना चाहिए कि आप ब्रेव हो और आप डरते नहीं हो किसी से, कोई बात नहीं, उठ जाओ, खड़े हो जाओ, लगती रहती है। मैंने आज दिन तक अपने बच्चों को कभी भी किसी चीज के लिए नहीं डराया है। हमेशा उनको मैं रात को जब लोरी सुनाने का टाइम होता है सोते टाइम तो मैं उन्हें हनुमान चालीसा सुनाती हूँ, और बच्चों को कभी भी मैंने आज दिन तक उनको इस तरह से डराया नहीं है कि कोई सा बाबा आ गया, शेर आ गया या कुछ भी। तो क्योंकि मैंने हमेशा इस तरह से उनको बनाया है कि अगर वो अकेले भी घर में रहे तो किसी चीज से डरे नहीं, या अंधेरा हो या कोई सा भी कीड़ा हो या कुछ भी चीज क्यों ना हो। तो इसीलिए मम्मी लोग जरूर ध्यान रखें, अपने बच्चों को डराए नहीं, उन्हें हमेशा प्यार से रखें, और अंधेरे से उन्हें डर लगता है अगर तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनके वो डर को आप भगाएं। यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं कि
पैदाइश ही किसी चीज से डर लगता है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि उनके डर को और खत्म करें, ना कि और बढ़ाएं। इस तरह से अगर आप बोलेंगे कि वो आ गया या ये हो गया, तो बच्चे और ज्यादा डर जाएंगे और रात को आपके बच्चे जरूर रोएंगे। तो अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूले, और सभी मम्मी अपने बच्चों को प्यार से रखे, उन्हें डराए नहीं। थैंक यू सो मच।